सबसे छुपा के तुझे आना है, प्यार में तेरे हद से है, इतना प्यार किसी पहली बार आया है। मजा आया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। जो प्रीव्यू में आपने जो स्टेटस देखा, लव स्टेटस दिखे, लव सॉन्ग के ऊपर एक स्टेटस है। अगर आप भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो अपने गर्लफ्रेंड के इमेज के साथ, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल समझाने वाला हूँ और कैसे क्रिएट करना है सब कुछ बताने वाला हूँ, और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। सब कुछ फाइल वगैरह मिल जाएगा, इमेज से लेके प्रीसेट से लेके XML तक सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फाइल्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप फाइल्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, सो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू डाउनलोड XML फाइल। उस वीडियो को देख के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लेना, और सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और सेकेंड चैनल पर आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक होगा, जिस तरीके का भी टॉपिक होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको किस तरीके का वीडियो में इंटरेस्ट हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है, XML हो या प्रीसेट हो, जो भी आपको डाउनलोड करना है कर लेना, एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद एलाइट मोशन को ओपन करना है, नीचे जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिरिक्स है और जो लिरिक्स पे इफेक्ट है ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। बस ये जो फॉन्ट है आपको फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप भेजना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी लिरिक्स यहाँ पे ऐड है, और ये जो फॉन्ट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी 2-3 बार या उससे ज़्यादा भी दे चुका हूँ, फिर भी आपको मैं दे दूंगा, ये फॉन्ट आप ऐड कर लेना। फॉन्ट का नाम है Go3V2, ठीक है, Go3V2 फॉन्ट का नाम है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना फॉन्ट्स को, और आपको लिरिक्स पे ऐड कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है, ठीक है गाइस। इस तरह से आपको थोड़ा सा आगे आना है, इस पॉइंट पे आना है, 12.08 सेकंड पे आना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे आना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है, और इमेज को CC के नीचे लेके जाना है, ठीक है गाइस। इस तरह से आप देख सकते हो, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे आना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है, और इमेज को इस तरीके से CC के नीचे लेके जाना है, ठीक है। इसी तरीके से अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम, आपको भी क्या करना है, इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इमेज को CC के नीचे लेके जाना है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इस तरीके से इमेज को ऐड करना है, CC के नीचे लेके जाना है, ठीक है। CC के नीचे अगर आप नहीं लेके जाओगे तो जो आपका जो इफेक्ट है वो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को ऐड करना है, और ये सभी इमेजेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, HD इमेजेस, फॉन्ट्स आपको इजीली मिल जाएगा, और कुछ भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी इमेजेस को सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, जो शेक इफेक्ट है शेक इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑन इफेक्ट टू देखने को मिलेगा। इफेक्ट ऑन पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे सिंगल बिटमार्क पे आ जाना है, लिरिक्स एंड होने के बाद, ठीक है। आप देख सकते हो 12.08 वाला जो बिटमार्क, ये सिंगल है और डबल ये है, ठीक है। अब देख सकते हो, डबल बिटमार्क पे सेकेंड इफेक्ट पेस्ट होगा, सिंगल बिटमार्क पे फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट होगा। इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ये सिंगल बिटमार्क है तो इस पर फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट हुआ है। उसके बाद डबल बिटमार्क को छोड़ देना है, सिंगल बिटमार्क वाले इमेजेस पे जो फर्स्ट इफेक्ट आपने कॉपी किया था सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है।
डबल बिट मार्क को अभी छोड़ देना है। उसके बाद बैक आना है, फिर से आपको अभी शेक इफेक्ट पर जाना है। अभी जो इफेक्ट टू है इस पर क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट करना है, यहाँ से बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट पर जाना है। अभी आपको यहाँ पर डबल बिट मार्क वाले इमेजेस पर जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इफेक्ट कैसे पेस्ट करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इमेज पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, इफेक्ट को आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और सीसी वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, सीसी आपको ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करना है, नीचे जो एक्सपोर्ट है इस पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।